उत्तराखंड के लक्सर क्षेत्र स्थित सुल्तानपुर कुन्हारी में आज पहले हेल्थ क्लब का शुभारंभ किया गया। इस हेल्थ क्लब का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह रावत व वरिष्ठ समाज सेवी वरिस अहमद द्वारा फीता काटकर किया गया शुभारंभ, जिसके बाद कार्यक्रम का आयोजन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह रावत ने कहा कि हेल्थ स्वास्थ्य इंसान की पहली धरोहर है, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान वरिष्ठ समाज सेवी वरीद अहमद ने कहा कि देश के प्रत्येक युवा को नशे से दूर रहकर अपने स्वास्थ्य को बचाकर रखना है। वहीं सुल्तानपुर कुन्हारी में हेल्थ क्लब के जो शुभारंभ किया गया है, इसका लाभ प्रत्येक युवा को उठाना चाहिए और अपनी फिटनेस हेल्थ को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नशे की ओर कदम रख रहे हैं, वो शायद ये भूल रहे हैं कि नशे की लत उनके स्वास्थ्य व जीवन को प्रभावित कर रही है। अली हेल्थ क्लब सेंटर को अपनी तरफ से और अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से, सुल्तानपुर नगर पंचायत की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि जो आज सुल्तानपुर क्षेत्र नगर पंचायत के अंदर पहली बार एक हेल्थ के बॉडी को लेके और यहाँ पर जो हमने आज शुरुआत की है, इससे ये दिशा निर्देश जाता है कि हमारे सुल्तानपुर क्षेत्र में एक शहर की ओर बढ़ रहा है। भाई ने यहाँ पे और अली हेल्थ क्लब की ओर से यहाँ पे समाज में एक संदेश देने का काम किया है कि जो हमारे युवा नशे की ओर आकर्षित हो रहे थे, वो आज अपनी फिटनेस के लिए इधर आकर्षित हो रहे हैं। और सभी युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मैं भी एक नौजवान हूँ, आप लोग नशे की ओर आकर्षित ना होकर के अपने खान पान पे और अपनी फिटनेस पे और शिक्षा की ओर अपने समाज को लेकर के जाए, जिससे कि हमारा समाज को एक अच्छा संदेश मिले और हमारे युवा हर चीज में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, चाहे वो उत्तराखंड की पुलिस हो, चाहे हमारे देश की आर्मी हो, उसमें हमारे युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। मैं उनको सभी को यह संदेश देना चाहूँगा और हमारे सभी सुफियान भाई उनकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने क्षेत्र को एक बहुत अच्छा अली हेल्थ केयर क्लब की रूप में यहाँ पर एक क्लब का स्थापना किए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और क्षेत्रवासियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अपना ज्यादा से ज्यादा इसमें एडमिशन करा करके इसका लाभ उठाए और अपने युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें। बहुत देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।